ऑब्जर्वेशन जैसे अवेयरनेस इश्यूज पर बेस्ड ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। बोल्ड और यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने की वजह से ये वेलकम टू माय चैनल अगेन 1995 टुडे आई विल रिएक्शन अगेन फॉर द ऑल द मूवी ओके आई विल रिएक्शन द टॉप 10 मूवी अमेजिंग ऑफ बॉलीवुड। सो नाउ हाउ आर यू? आई थिंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड नाउ very affected by COVID-19, so I hope so, and I wish for you can take care of your health, you can sit with your family, don't go outside, and every time you too happy. Okay, so I will listen that, and I hope so you can happy with that. Thank you. 1, 2, 3, start now. Excuse me भैया, मुझे दिल्ली से निकलना है। आपको जितने पैसे चाहिए आप मेरे से ले लीजिए। Wow, don't you know who more way? We can see a lot of people. Boom, like this. Holy, chắc chắn là một khủng bố rồi. Why? So bad. Why he put her? Oh, not good. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। इस साल हिंदी सिनेमा में काफी बदलाव नजर आए हैं, जहां हिंदी मूवी क्रिएटर्स ने कमर्शियल फिल्म मेकिंग से ऊपर उठकर बहुत सारा रियल कंटेंट रियल मूवीज 2021 में मूवी फैंस को दी है, और उनमें से 10 सबसे बेस्ट बॉलीवुड मूवीज में आपके लिए लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज ऑफ 2021। जिस तरह मंथ एंडर वीडियोस के जरिए हर महीने की बेस्ट मूवीज में आपके लिए लेकर आता हूं, उसी तरह आज के इस वीडियो में जून 2021 तक की सबसे बेस्ट बॉलीवुड मूवीज हम कवर करने वाले हैं। रियल मूवी फैंस रियल कंटेंट के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं इस साल की सबसे बेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स की तरफ। नंबर 10 पर है द बिग बुल। बॉलीवुड की बिग बुल नंबर 1 बिग बुल। इस फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म का रिलीज टाइम इसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनकर आया, जहां 2020 की सबसे बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992 के बाद इसे रिलीज किया गया, और यही द बिग बुल की द बिग बुल बन गई। अभिषेक बच्चन स्टारर ये फिल्म पर्टिकुलरली 1992 के हर्षद मेहता स्कैम पर सेंटर्ड है। बिग बुल स्कैम के कंपैरिजन में काफी डल है, लेकिन इसकी स्टोरी, बीजीएम और कुछ परफॉर्मेंसेस वर्थ वॉच हैं। तो हिंदी मूवी फैंस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म को जरूर ट्राई कर सकते हैं। स्कैम 1992 से कंपेयर किए बिना अगर इस फिल्म को देख तो ऐसे बन करता है कि उपित पुनः बहुत फिल्म ना है वो हंटिंग ये जो थन जो को द पुअर टू द रिच पीपल रिचर पीपल आई थिंक देखेंगे तो फिल्म का ज्यादा मजा आपको आएगा। नंबर 9 पर है संदीप और पिंकी फरार। ये ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म बिग बॉलीवुड फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लीड स्टार्स की वजह से नेगेटिव लाइट में रही है, लेकिन दिबाकर बैनर्जी द्वारा डायरेक्टेड ये थ्रिलर फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है। एक बैंक एग्जीक्यूटिव संदीप प्लेड बाय परिणीति चोपड़ा और एक रिटायर्ड हरियाणवी कॉप पिंकी प्लेड बाय अर्जुन कपूर, ये दो लोग को इंसिडेंटली मिलते हैं और एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और वहां से इन्हें फरार होना पड़ता है। दोस्तों, इस फिल्म का एक्सीलेंट ओपनिंग सीक्वेंस बहुत ही अमेजिंग है। फिल्म के रियलिस्टिक कॉन्वर्सेशन वाले सीन्स भी तारीफ के काबिल हैं। इस फिल्म का स्लो नैरेटिव इसका नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एक्टर्स की ग्रेट परफॉर्मेंस से इसकी लेंथ को इग्नोर कर पाना इजी हो जाता है। तो हिंदी मूवी फैंस को तो ये फिल्म जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये गुड टू वॉच थ्रिलर मूवी Amazon Prime पर अवेलेबल है। नंबर 8 पर है अजीब दा। अजीब दा आई डोंट अंडरस्टैंड द सेकंड मूवी व्हाई ही व्हाट लाइक दैट विद हर एंड पुट हर It is a bad accent, you know. But if you know, please come on and help me. Why is he does her? I don't understand. Dastans. चार शॉर्ट फिल्म से मिलकर बनी ये एंथोलॉजी फिल्म व्यूअर्स को बहुत कुछ ऑफर करने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन ये एंथोलॉजी फिल्म कहीं से बहुत ज्यादा मीठी है तो कहीं से बहुत ज्यादा कड़वी भी है।
इस फिल्म की पहली कहानी मजनू और दूसरी कहानी खिलौना आप इजीली स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपका टाइम डिजर्व नहीं करती है। फिल्म की थर्ड स्टोरी गीली पुच्ची और फोर्थ स्टोरी अनकही काफी इंटरेस्टिंग है, वर्थ वॉच है। मानव कॉल और शेफाली शाह स्टारर फोर्थ स्टोरी अनकही एकदम हर्ट मेल्टिंग स्टोरी है और ये इस फिल्म का बेस्ट पार्ट भी है। ये एंथोलॉजी फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसकी थर्ड एंड फोर्थ स्टोरी मानव कॉल और शेफाली शाह स्टारर फोर्थ स्टोरी अनकही एकदम हर्ट मेल्टिंग स्टोरी है और ये इस फिल्म का बेस्ट पार्ट भी है। I don't understand why so a lot of people do like that with the girl. It's the bad answer. ये एंथोलॉजी फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसकी थर्ड एंड फोर्थ स्टोरी आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 7 पर है कागज। ये रियल इवेंट्स पर बेस्ड एक ब्यूटीफुल बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें हिंदी सिनेमा नहीं कहते मूवी ना कोनो के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक पंकज त्रिपाठी ने एक बार फिर से अपना जादू दिखाया है। ये फिल्म यूपी के एक छोटे से गांव के किसान लाल बिहारी की लाइफ पर बेस्ड है। छोटे से गांव के इस छोटे से किसान को जब सरकारी कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है तब ये इंसान स्ट्रगल करके सरकारी कागज को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों इस रियलिस्टिक फिल्म के डायलॉग्स, पंकज त्रिपाठी की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और इसकी हर्ट वार्मिंग स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। Z5 पर अवेलेबल ये स्वीट एंड सिंपल स्टोरी वाली फिल्म भी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 6 पर नंबर 4 आई थिंक दिस मूवी टॉक अबाउट द पुअर वर्सेस एंड वन मैन वांट टू चेंज एवरीथिंग and he want to help some people also the his journey I think but has silence can you hear it Fine. Manoj Bajpayee starrer ye mystery thriller film एक औरत के अचानक गायब हो जाने पर बेस्ड थ्रिलिंग केस से डील करती है। प्राची देसाई जो काफी लॉन्ग टाइम बाद स्क्रीन पर नजर आई हैं, इन्होंने काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस फिल्म में दी है और मनोज बाजपेयी तो जिस फिल्म में होते हैं उसमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस तो होनी ही है, ये बात तो आप सब जानते हैं। तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस के साथ एक थ्रिलिंग स्टोरी इस फिल्म को वर्थ वॉच बना देती है। Z5 पर अवेलेबल ये फिल्म आप देखिए और एक थ्रिलिंग स्टोरी का मजा लीजिए। नंबर 5 पर है शेरनी। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जैसे अवेयरनेस इश्यूज पर बेस्ड ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। बोल्ड और यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड होने की वजह से ये फिल्म काफी पॉपुलर रही है। एक्चुअल में ये फिल्म शेरनी पर नहीं बल्कि एक बाघिन पर बेस्ड है। दिस मूवी टेल अबाउट जॉनी सोनी स्कूटी ऑफ टाइगर। वी कैन सी द फॉरेस्ट एंड द टाइगर एंड she do everything she want to take care of tiger that is एक बाघिन गांव वालों की मुश्किलें बढ़ा देती है और वो लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। अब इस परेशानी का क्या हल निकलता है ये तो फिल्म ही आपको बता पाएगी, इसीलिए Amazon Prime पर अवेलेबल right, ये इंटरेस्टिंग हिंदी फिल्म आपके लिए वर्थ वॉच बन जाती है। नंबर 4 पर है पगलेट। ये अमेजिंग ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत से डीप सोशल इश्यूज को हाईलाइट करती नजर आती है। ये काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग फिल्म है। एक वुमन के इंडिपेंडेंट बनने की स्टोरी इस फिल्म में दिखाई गई है जहां एक यंग विडो अपने रिलेटिव्स और अपनी फैमिली को फेस करती है, अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करती है और अपने आप को डिस्कवर करती है। सानिया मल्होत्रा की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ने ये फिल्म सिर्फ व्यूअर्स को दिखाई ही नहीं है बल्कि पूरा फील करवाई है। इनके अलावा सभी सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस फिल्म में दी है और इस फिल्म को काफी एंटरटेनिंग बनाया है। इस ब्यूटीफुल कॉमेडी फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर I don't understand what the hell in this movie. Okay, we can see a net movie, The White Tiger. The two movie tell about tiger. है The White Tiger. ये एक ड्रामा फिल्म है जो 2008 की मैन बुकर प्राइज विनर नॉवल द वाइट टाइगर पर बेस्ड है। बलराम हलवाई जो एक पुअर विलेजर है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस गरीबी से आजाद होने की कोशिश करता है। दोस्तों इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बेस्ट है जहां इस इंडियन बेस्ड मूवी में सिटी और विलेज का प्रेजेंटेशन एकदम रियलिस्टिक नजर आता है। फिल्म की राइटिंग भी बेहतरीन है। लीड स्टार गौरव आदर्श जिनका यह पहला लीड रोल था उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है, लेकिन फिल्म में यूज्ड लैंग्वेज और एक्सेंट इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट बन जाते हैं। ओवरऑल ये काफी एंटरटेनिंग मूवी है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है किचन किसी हियर पुल इट एंड बट ही चेंज द गैंगस्टर। वाओ
राम प्रसाद की तेहरवी। दोस्तों 2021 की सबसे ब्यूटीफुल बॉलीवुड मूवी से कहा जा सकता है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के अननोटिस्ड बट एक्सीलेंट एक्टर्स, रियल एक्टर्स के साथ एक स्वीट, सिंपल एंड रियलिस्टिक स्टोरी दिखाती है, जिससे व्यूअर पूरी तरह कनेक्टेड फील करता है और आंखों के जरिए ये फिल्म सीधा दिल में उतर जाती है। ट्रेजेडी में कॉमेडी कंसेप्ट पर बेस्ड ये फिल्म एक फैमिली की स्टोरी हमें दिखाती है, जो फैमिली के सबसे बड़े मेंबर की तेहरवी पर कई सालों बाद एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर फिल्म में कॉमेडी और ड्रामा शुरू होता है। आंखों को भिगो देने वाले कुछ मोमेंट्स भी फिल्म में आते हैं और फिल्म का BGM इन मोमेंट्स को और भी डीपली फील करवाता है। ये ब्यूटीफुल हिंदी फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और 100% ही आपका टाइम डिजर्व करती है। नंबर एक पर है नेल पॉलिश। ये एक अमेजिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कोर्टरूम ड्रामा पर बेस्ड स्टोरी आपको एक यूनिक थ्रिलर राइड पर लेकर जाने वाली है। एक सोशल एक्टिविस्ट जिसे दो माइग्रेंट चिल्ड्रन के मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है, उनकी स्टोरी इसी केस के ट्रायल पर बेस्ड है। फिल्म का बेस्ट पार्ट रहे लीड स्टार्स अर्जुन रामपाल और मानव कौल। अर्जुन रामपाल ने लॉयर का कैरेक्टर इस फिल्म में एक्सीलेंटली प्ले किया है और मानव कौल, जो इंडियन सिनेमा के अननोटिस्ड और अंडररेटेड एक्टर हैं, उन्होंने भी हर बार की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस फिल्म में दी है। दोस्तों नेल पॉलिश इंडियन सिनेमा की शायद पहली कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसकी एंडिंग एकदम परफेक्ट है। कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ को फिल्म में ज्यादा हाईलाइट किया गया है और ये अननेसेसरी स्टेप फिल्म का नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा फिल्म्स में से ये एक है और 2021 के फर्स्ट हाफ की ये सबसे बेस्ट बॉलीवुड फिल्म है, जिसे आप Z5 पर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप इन टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज के तौर पर एंटरटेनमेंट की जर्नी कंटिन्यू रखिए। सबसे फाइनेस्ट बॉलीवुड मूवीज की लिस्ट के लिए स्क्रीन पर सजेस्टेड हमारे बेस्ट वीडियोस अभी जाकर देखिए। हिंदी मूवी फैंस की ओके जब तक देख ला आई कैन सी इन द मूवी द इन द ऑलरेडी टॉक अबाउट फैमिली एंड द लव स्टोरी ऑफ द बॉय एंड गर्ल एंड सम मूवी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट वी नीड टू टेक केयर एनवायरनमेंट एंड या This, I think if I can, I will watch all this movie, and you, thank you for watching my video reaction. If you like video, you can support for me, okay? Don't forget like, subscribe, and share this video. Thank you. See you later.